तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैं समझा चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मतलब यह है औद्योगिक क्रांति। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ में जब कहीं भी आपने देखा होगा कि शहरों में या क्या बोलते हैं जहाँ भी इंडस्ट्री लगाई जाती है वो जगह क्या करती है, वहाँ पर लोग रहने लग जाते हैं। और वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगेगी तो ऑफिस भी लगेगी, और ऑफिस होंगे तो लोग भी रहना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर उनके घर भी बनते हैं। और इसी तरह से किसका उदय होता है, अर्बनाइजेशन का यानी कि शहरीकरण का। अब जैसे जैसे उद्योग लगा रहे थे तो लोगों को लगा कि उद्योग लगाने से एक तो पैसे की भी एक तरह से क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। तो इसी के द्वारा किसका जन्म हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ही राइज ऑफ कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। राइज ऑफ कैपिटलिज्म मतलब है कि पूंजीवाद का उदय हुआ। अब पूंजीवाद का उदय से क्या मतलब है कि जब जो लोग, अब इंडस्ट्री कौन लगा सकता है, उद्योग कौन लगा सकता है, जिनके पास में कि पैसा होगा। अब जिनके पास पूंजी होगी तो वो इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो उनको उससे क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था ना। थोड़े से ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही थी, क्वांटिटी यानी कि जो भी प्रोडक्शन था उसकी मात्रा भी अधिक हो रही थी और क्वालिटी भी अच्छी हो रही थी। मशीन की वजह से जो एक्यूरेसी थी किसी भी चीज़ के बनाने की वो बहुत परफेक्ट आ रही थी। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन था वो अधिक से अधिक हो रहा था, और इसका जो फायदा हो रहा था वो उन्हीं लोगों को हो रहा था जिनके पास में कि पूंजी अधिक थी। अब इसकी वजह से इसका उदय हुआ, राइज ऑफ कैपिटलिज्म का उदय हुआ यानी कि पूंजीवाद का उदय हुआ। अब इसके साथ साथ में पूंजीवाद के उदय के साथ साथ में जो पहला था वो क्या था, रिलायंस एंड रिफॉर्मेशन। अब रिलायंस का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मिडिवल पीरियड था वो मिडिवल पीरियड हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, ये कंसिडर किया जाता है मिडिवल पीरियड को अनसिविलाइज और अनकल्चर। अनसिविलाइज का मतलब है कि हम बोलते हैं जिस तरह से धीरे धीरे सभ्यता सभ्य हो रहे थे लोग, तरक्की कर रहे थे लोग, काफ़ी कुछ विकास हो रहा था, तो जो मध्य युग था उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय के लोग पूरी तरह से विकसित नहीं थे, इसलिए उस काल को हम लोग अनसिविलाइज्ड या अनकल्चर भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ, आधुनिक युग स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों का पुनर्जन्म हुआ और बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए यानी कि काफ़ी सुधार भी हुए, यानी कि जो काम हाथों से होता था वो हम मशीनों के द्वारा करने लगे और अच्छी मात्रा में अच्छी ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी भी उसकी कैसी होने लग गई थी, अच्छी होने लग गई थी। फिर है न्यू इन्वेंशन। अब न्यू इन्वेंशन मतलब क्या है कि नए नए आविष्कार हो रहे थे। नए आविष्कार से क्या मतलब है, जैसे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस से क्या मतलब है, जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ, इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो लोग का पहले हाथों से किताब लिखते थे, तो हाथों से किताब लिखने में काफ़ी समय लगता था, लोगों तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से, आविष्कार से, ये जो किताबें वगैरह हैं या मैगजीन्स हैं या लोगों के को जानकारी देनी है, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लग गई। प्रिंटिंग प्रेस से बहुत अधिक छपाई होने लग गई और लोगों तक वो सारे विचार जो भी इन्वेंशन थे या इस तरह के जो विचार हैं एक दूसरे के पास में आसानी से पहुँचने लग गए थे। फिर है वॉयेज। वॉयेज का मतलब है यात्रा। अब जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुए, लोगों ने ये जानना शुरू किया। पहले हमें मालूम था कि एक ऐसा लगता था कि एक ही देश की जो देश में रहते थे या बोल सकते हैं कि छोटे छोटे राज्य में रहते थे, तो उनको लगता था कि हमारी दुनिया बस यहीं तक सीमित है। लेकिन जब लोगों को जागरूकता बढ़ी, उनको ये लगा कि नहीं, हमारी दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। तो जब लोग समुद्र में निकलना शुरू हुए, यात्रा करना शुरू की, तो उन्हें पता चला कि नहीं, हमसे भी जो हम जैसे लोग हैं ऐसे और भी लोग हैं, और उनके जो आचार या विचार हैं वो हमसे ज़्यादा डेवलप हैं या ज़्यादा विकसित हैं, या उनके जो आविष्कार हैं वो उसको हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, या उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है, एक तरह से आधुनिक युग का शुरुआत बताती है कि कहाँ से ही क्या होती, किसकी, आधुनिक युग की यानी कि मॉडर्न पीरियड क्या की स्टार्टिंग हुई थी। अब है कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन
होता है कॉलोनाइजेशन, मैंने पहले ही समझा दिया कॉलोनाइजेशन निषेध का मतलब क्या है कि जो भी पावरफुल कंट्री है यानी कि जो ताकतवर देश है जब किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं वहाँ पर या वहाँ से ही अपना शासन चलाते हैं तो उसको ही या कॉलोनी बसा लेते हैं तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन की वजह से ही किस तरह के देश का विकास हुआ, इंपीरियलिस्ट करते गए यानी कि साम्राज्यवादी देशों का की शुरुआत हुई है ना, जिसमें कि हमें मालूम है कि सबसे प्रमुख कौन था, यूरोपियन कंट्री जो कि ब्रिटिश, जिनका कि हमें अच्छे से उदाहरण है कि हमारे देश पे भी उन्होंने क्या रखा रखा था, हमारे देश को भी उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी। अब है कॉलोनाइजेशन इन इंडिया है ना, तो सबसे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन की वजह से, अब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में यह था औद्योगिक क्रांति है ना, तो जब सबसे ज़्यादा जो विकास स्टार्टिंग हुई थी औद्योगिक क्रांति की वो कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। अब इंग्लैंड से ही क्यों हुई थी, हमारे मन में ये वाली आ सकती है कि इंग्लैंड से ही क्यों हुई, इंग्लैंड से इसलिए हुई थी कि एक तो इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरा वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध था, जिससे कि वो पावर्स खासतौर पे जिसे कह सकते हैं ना कि हम इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पावर की, तो वो वहाँ पर आराम से उपलब्ध था और वो इस तरह से समुद्र से घिरा हुआ था कि वो और देशों में आराम से कहीं भी आ जा सकता था और वहाँ से वहाँ पर कोई भी सामान लाना है ले जाना है वो आसानी से वहाँ पर उपलब्ध कराया जा सकता था। अब जैसे जैसे वहाँ पर औद्योगों का विकास हुआ तो उनको रॉ मटेरियल की यानी कि कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता हो गई, तो उन्हें ये लगा कि हमें ये कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होगा, तो उनकी सबसे पहले नज़र गई थी हमारे इंडिया पर, तो एज ए ट्रेडर उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ही क्या किया था, इन 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में एक इंग्लिश ट्रेडर्स यानी कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनका एक ग्रुप आया था इंडिया में, जो कि यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की थी, स्थापना की थी है ना, सिर्फ एक व्यापार के व्यापारिक तौर पर वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब आए थे, 1600 में यानी कि 1600 ईस्वी में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर जब देखा कि यहाँ की जो कमजोरी है, सबसे बड़ी बात क्या थी, यहाँ के जो राज्य थे सॉरी जो देश था वो छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की कमजोरी देखी, शासकों की कमजोरी देखी और धीरे धीरे उन लोगों से कुछ अधिकार छीन कर या लेकर जबरदस्ती उन्होंने यहाँ पर पूरे देश पर क्या करना शुरू कर दिया था, शासन शुरू करना शुरू कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मॉडर्न इंडिया में एक तरह से ये इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है आपका कि किस तरह हम क्यों उसको मॉडर्न इंडिया के नाम पर या हम हो सकते हैं कि आधुनिक युग क्यों हम डिनोट करते हैं, उसे क्यों कहते हैं। तो उस समय अब पहले मैं बता चुकी हूँ कि मॉडर्न पीरियड को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे देश में हम बोल सकते हैं जो भी आधुनिक मॉडर्नाइजेशन हुआ था वो ब्रिटिश के आने के बाद ही हुआ था, तो कि इंडस्ट्री का लगना या बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी वो इसमें हुई थी, ब्रिटिश काल में हुई थी ना, तो उस समय उसको हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड भी डिनोट करते हैं, कहते हैं। अब चेंजेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल है ना, कि जब कॉलोनियल रूल था हमारे देश में तो उस समय अलग अलग क्षेत्रों में क्या चेंजेस आए थे, तो सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफिकल चेंजेस से मतलब क्या है, भौगोलिक जो हो सकते हैं कि स्थिति में क्या चेंज आया था। तो जब हमारा आपने पहले 6th क्लास में एंशियंट इंडिया पढ़ा है, यानी कि जब मानव सभ्यता ने किस तरह से शुरुआत की थी, किस तरह से रहना शुरू किया, फिर छोटे छोटे शासन क्या बोलते हैं जनपद बने, महाजनपद बने, राज्य बने, इस तरह से उसके बाद में तुर्कों का या मुगलों का आक्रमण हुआ और उन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, फिर उन्होंने जैसा उनका शासन था उस हिसाब से उन्होंने अपना शासन किया देश में, फिर जब ब्रिटिश आए थे एज ए ट्रेडर
फिर उन्होंने आकर यहाँ पर जैसी स्थिति देखी कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनमें इनके जो कमजोर कमजोर शासक हैं या जो वीक सोसेसर हैं उनको हटाकर खुद अपनी एक तरह से अपना शासन उन्होंने यहाँ पर कर लिया था। तो उस समय ये ज्योग्राफिकल चेंजेस क्या आए थे कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश क्या हुआ था, बटा हुआ था। और जब कुछ ऐसे प्रोविंसेस भी थे, किंगडम्स भी थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कि हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है, ये इस तरह के बहुत बड़े बड़े राज्य भी थे। और इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम भी थे, यानी इंडिपेंडेंट किंगडम से मतलब है कि स्वतंत्र राज्य भी थे, जैसे कि राजपूत थे या मराठास थे। लेकिन धीरे धीरे आते आते अंग्रेजों ने इन पर भी धीरे धीरे क्या कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये सारे जो चेंजेस आए वो किसके अंतर्गत थे, ज्योग्राफिकल चेंजेस थे, यानी कि जो भौगोलिक चेंजेस आए, किस तरह से छोटे छोटे राज्यों को भी एक तरह से इन्होंने पूरे इन राज्यों पर भी कमजोर जो शासक थे उन पर भी अपना पूरा राज्य करके यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरा है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस से मतलब क्या है, राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव बोल सकते हैं, क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल इंडिया, ये जो ब्रिटिश ने अपना यहाँ पर क्या स्थापित की थी, ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और जब एक तरह से यहाँ पर जो भारत पे शासन चलता था वो कहाँ से चलता था, ब्रिटिश का चलता था, है ना। तो वो अपना धीरे धीरे उसने यहाँ पर पूरे देश में अपना शासन कर लिया था। लेकिन 1857 में एक पहला विद्रोह हुआ था, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ कह सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो पाया था। तो उसको दबाने के बाद में जब अंग्रेजों ने, एक तो ये छोटे छोटे अलग अलग राज्यों से हुआ था, और इसमें कोई भी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि 1857 का जो संग्राम हुआ था उसकी क्या कमियां रही थी या किस तरह से वो एक तरह से असफल रहा था। लेकिन उस विद्रोह के बाद में अंग्रेजों का जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने स्थापित की थी, वो वहाँ से शासन सीधे कहाँ चला गए थे, इंग्लैंड की क्राउन में चला गए थे। यानी कि अब जो सारी व्यवस्था होती थी वो कहाँ से हमारे यहाँ पर चलती थी, इंग्लैंड से चलती थी। तो ये सारे क्या आए थे उस समय, पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, यानी कि राजनीतिक बदलाव आए थे। फिर है इंडियन नेशनलिज्म। अब 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो उस समय ऐसा लगा था अगर एक नेतृत्व होता पूरे देश में, सारे देश के लोग इकट्ठे होते, तो हो सकता था कि हमारे को उसी टाइम फ्रीडम मिल सकती थी। तो कुछ लोगों के मन में उस समय ये बात भी आई कि अगर हम एकत्र होते और इकट्ठे होकर विद्रोह करते तो अंग्रेजों को हम लोग शायद खदेड़ भी सकते थे। तो उसके बाद से ही किसकी एक तरह से लोगों के मन में किसकी स्थापना हुई थी, नेशनलिज्म की, यानी कि हम हो सकते हैं कि राष्ट्रवाद की का एक तरह से उदय हुआ था। फिर है इकोनॉमिक चेंजेस। और इकोनॉमिक चेंजेस से मतलब क्या है, आर्थिक बदलाव। अब आर्थिक बदलाव क्या हुआ था, अंग्रेज हमारे यहाँ पर जब शासन कर रहे थे, ब्रिटिश का जब शासन था रूल था, तो सबसे पहले उनका जो एम था क्या था, यहाँ से जितना हो सके जितनी भी हमारे यहाँ से संपत्ति है, हमें मालूम है कि हमारा देश हर तरह से क्या है, संपन्न है। क्यों संपन्न है कि यहाँ पर हर चीज, जो भी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसी है कि और देशों में इस तरह की नहीं मिलती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं, है ना, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो हमारे देश को एक तरह से प्रहरी की तरह उनकी रक्षा भी कर रही है। इसके अलावा वो जो यूरोप से बोल सकते हैं हम सेंट्रल एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं उसको भी वो रोक कर रखती है। इसके अलावा जो वहाँ नदियाँ हैं, हमारे जो उद्गम नदियों का जो उद्गम स्थल है, वो सारे कहाँ से निकलती हैं, नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को वो सींचती है ना। तो एक तरह से वो भी क्षेत्र है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र का इतना बड़ा जो उपजाऊ मैदान है, उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी ये बहुत संपन्न है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि लोहा, आयरन और कोयला, कोल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अधिक मात्रा में
हम बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये उन सारी चीजों को एक तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया था, इसका शोषण करना शुरू।